हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ एक ऐसी हेयर रेमेडी शेयर कर रही हूँ जिसे यूज़ करने से आपके बाल जो बहुत ज़्यादा उलझते हैं वो नहीं उलझेंगे। आपके बालों में नेचुरली शाइनिंग आएगी, बहुत ज़्यादा सिल्की हो जाएंगे आपके बाल। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं अलसी के दाने। तो ये दाने विटामिन ई से भरपूर होते हैं और ये आपके बालों में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ बढ़ाते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके बालों को लंबे करते हैं, सिल्की करता है, शाइनिंग करता है, आपके दो मुंह में बालों को होने से रोकता है और डैंड्रफ से भी रोकता है। और सबसे बेनिफिट इसका ये है कि आपके बालों को इतना स्मूथ बना देता है, इतना सिल्की बना देता है कि आपके बालों में जो गांठें पड़ती हैं जिनसे आपके बाल उलझते हैं वो नहीं होता। और इस जेल को बनाने के लिए मैंने एक गिलास के करीबन पानी लिया है और उसके बाद यहाँ पे मैं 6 चम्मच के करीबन ये जो अलसी के दाने हैं ये इसमें डाल दूँगी। और इसे चलाते हुए मुझे जब तक ये जेल फॉर्म में ना कन्वर्ट हो जाए तब तक मुझे इसे चलाते हुए पकाना है। तो आप लोग देखोगे कि मैं किस तरह से बना रही हूँ। और जब भी आप इसे बनाना स्टार्ट करें तो गैस को बिल्कुल मीडियम रखें, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, मीडियम से भी थोड़ा लो ही रखेंगे तो ठीक है। और बस इसे चलाते हुए आपको इसे तब तक चलाना है जब तक ये एक जेल में कन्वर्ट ना हो जाए। तो अलसी हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, हमारे बालों को ये पोषण देती है और बालों को टूटने से बचाती है, क्योंकि जब बालों में गांठें नहीं होंगी तो वो कम टूटेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जेल बन के रेडी हो चुका है, ये किस तरह से लिक्विडी जेल है ये। और बस इसे आपको गर्म गर्म ही छान लेना है, अगर ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसे छानने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ये जो जेल होता है ये बीजों से चिपक जाता है और जल्दी से छानने में नहीं आता है। तो बस यहाँ पे हम 5 मिनट या 6 मिनट के बाद ही गैस बंद कर देंगे, बहुत ज़्यादा आपको इसे नहीं पकाना होता, 5 से 6 मिनट के अंदर आपको ये जेल मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक नेट का कपड़ा लिया है, ये कपड़ा मेरे घर पे पड़ा था तो मैं इसी का यूज़ करती हूँ, क्योंकि नेट में ना अलसी का जो ये जेल है बहुत ईजीली निकल जाता है, अदरवाइज़ इसको निकलने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मैंने इसे ठंडा करने के बाद लगाया था, बट इसे आप चाहें तो फ्रिज के अंदर आप इसे ना सिक्योर करके भी रख सकते हैं 5 से 6 दिन के लिए। तो आप इसके अंदर चाहें तो नींबू भी डाल सकते हैं अगर आपके डैंड्रफ है, बट मेरे डैंड्रफ नहीं है इसलिए मैं नींबू नहीं डालती हूँ। तो आप अभी ये गर्म है, मैं इसे थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी। और मैंने इसे काफ़ी थिक करने के बाद लगाया था, बहुत ज़्यादा पतला पतला मैंने नहीं लगाया था इसको। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आलमंड ऑयल, क्योंकि आलमंड ऑयल हमारे बालों को में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे बालों के लिए, यानी बादाम का तेल हमारे बालों को मजबूत बनाता है, बहुत ही ज़्यादा पोषण बनाता है, पोषण देता है और बालों को टूटने से बचाता है, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं बादाम ऑयल के। तो मैं अपनी ज़्यादातर रेमेडी में बादाम ऑयल को यूज़ करती हूँ। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने एक थिक जेल बनाया है, आप चाहें तो इसे थोड़ा सा पतला रख सकते हैं, लेकिन जब मैंने इसे थोड़ी देर के लिए रख दिया तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया था, तो इसे इतना गाढ़ा ना होने दें, अब थोड़ा सा आप इसे पतला रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। बट मैंने इसे छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए तो ये काफ़ी गाढ़ा हो गया था, बट कोई दिक्कत नहीं होती, आप इसे इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो मैं अभी आपको अपने बालों में इसे अप्लाई करके भी दिखाऊंगी कि आपको किस तरह से इसे लगाना है। और जब भी आप इसे अपने बालों में लगाएं तो अपने बालों को अच्छे से कंघी कर लें, यानी जो भी आपके बालों के अंदर टेंगल वगैरह हैं उसे रिमूव कर लें। और इस जिस तरह से एक स्पा क्रीम लगाई जाती है बस उसी तरह से आप इस जेल को अपने बालों में अप्लाई कर लें, और आधे घंटे से कम आधे घंटे तो आपको इसको रखना ही है। और अगर आप आधे घंटे नहीं रखना चाहते तो आप इसे नाइट में लगा के सो सकते हैं और मॉर्निंग में इसे धो सकते हैं, अपने बालों को धो सकते हैं, नहीं तो फिर आप नहाने से आधे घंटे पहले अपने बालों में इसे लगा लें और फिर अपने बालों को शैम्पू करके धो लें तो आपके बाल इतने सिल्की और सॉफ्ट हो जाएंगे। और बिल्कुल भी जो उलझन पड़ती है आपके बालों में, जो मूंछ पड़ती है जिससे कंघी करने से आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं झड़ते हैं, वो डेफिनेटली बंद हो जाएगा। आप मेरे कहने पर एक बार इस रेमेडी को यूज़ करके देखना, आप खुद मुझे थैंक्स कहने वाले हो कि दीदी आपने बहुत ही अच्छी रेमेडी बताई है, क्योंकि इससे बालों में सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि बहुत ज़्यादा चमक आती है आपके बालों में, आपके बाल सिल्की हो जाते हैं, शाइनी हो जाते हैं, टूटते नहीं हैं। तो आप एक बार इस रेमेडी को यूज़ करना, उसके बाद अपना फीडबैक मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर करना। तो चलिए अभी इस वीडियो को भी यहीं एंड कर देते हैं और फिर मिलेंगे।